हेलो फ्रेंड, दिस इज आदित्य। आज मैं आपको बताऊंगा एसिड बेस एंड बफर, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। उसमें एसिड एंड बेस टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं एसिड क्या होता है। एसिड वह सब्सटेंस होता है जो प्रॉपर्टी में टेस्ट जो उसका होता है वो सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। जैसे आपने कभी नींबू खाया होगा तो नींबू देखा होगा, या कोई अलग फल जैसे ग्रेप्स खाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इसका टेस्ट खट्टा होता है। और इनका जो नेचर होता है मेटल पे वो कोरोसिव होता है, मतलब कोई अगर मेटल इनके संपर्क में आते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। इसी तरह बेस जो है वो स्लिपरी नेचर का होता है और इनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। और आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे तीन थ्योरीज हैं एसिड एंड बेस की, जो कि एसिड एंड बेस के को डिफाइन करती है। पहला देखिए आरहेनियस थ्योरी है। तो आरहेनियस थ्योरी क्या है? तो इस थ्योरी के हिसाब से जो एसिड है उसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि वह सब्सटेंस जो किसी एको सॉल्यूशन में जाते ही अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। और बेस वह सब्सटेंस होते हैं जो किसी एको सॉल्यूशन में जाते ही अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं और OH नेगेटिव आयन देने लगते हैं। तो इसी तरह से अरिनियस ने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया है। जिससे एग्जांपल ले लेते हैं, जो HCl है अगर हम इसको किसी एको सॉल्यूशन यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है, उसी तरह अगर हम कोई बेस लेते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो वो OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है। तो कुछ लिमिटेशन भी हैं जिसकी वजह से आरहेनियस थ्योरी को आगे रिजेक्ट करके ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी को भी लिया गया। तो लिमिटेशन कुछ यह थे कि जो एसिड और बेस होते हैं ना वो सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइन किए गए हैं यहाँ आरहेनियस थ्योरी में। और अगर हम दूसरा लिमिटेशन कोई देखते हैं तो जैसे अमोनियम नाइट्रेट हुआ, तो इसको अगर हम जैसे कि डिसॉल्व करते हैं लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं फिर भी यह एच पॉजिटिव आयन नहीं डोनेट करते हैं। उसी तरह अगर हम कोई बेस लेते हैं जैसे अमोनिया, तो ये वैसे तो बेसिक नेचर का होता है लेकिन ये वाटर में जाने के बाद ये OH नेगेटिव आयन नहीं शो करते हैं। तो आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी जो है वो 1923 में J.N. ब्रॉन्स्टेड और J.M. ल्यूरी के द्वारा इंडिपेंडेंटली दोनों अलग अलग ही इन थ्योरी को के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि एसिड जो है वो कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई भी आयन हो सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन नहीं, यहाँ मॉलिक्यूल और आयन का नाम दे दिया गया है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। प्रोटॉन तो आप जानते ही हैं कि अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जो उसकी होती है वो निकल जाए तो वो प्रोटॉन बन जाते हैं। उसी तरह जो बेस होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं, जब इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है या वैसे भी कोई एसिड का और बेस का रिएक्शन होता है तो जो नया एसिड प्रोड्यूस होता है उसी को कॉन्जुगेटेड एसिड बोलते हैं, और जो नया बेस प्रोड्यूस होता है उसे कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो जब जो बेस होते हैं उनको हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स प्रोटॉन जब मिल जाता है तो बेस के साथ प्रोटॉन मिलकर के कॉन्जुगेटेड एसिड बनाते हैं, और जो एसिड रह जाता है बचा हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद उसी को कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। तो आइए जानते हैं अब लिमिटेशंस क्या हैं ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी के। जो ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी है वो प्रोटॉन के ट्रांसफ़र में के बारे में ही बताता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें प्रोटॉन का नेचर नहीं होता है, प्रोटॉन डोनेट करने का या एक्सेप्ट करने का नेचर नहीं होता है, तो वहाँ पे ये ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी फेल हो जाता है। अगला यह है कि कुछ गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं ये भी इनके बारे में भी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना कि प्रोटॉन का, तो यहाँ भी ये फेल हो जाता है थ्योरी। तो इसके बाद आता है ल्यूइस थ्योरी। तो ल्यूइस थ्योरी क्या कहता है आइए जानते हैं। तो जो ल्यूइस थ्योरी थी उसमें G.N. ल्यूइस ने बहुत पहले एक मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एसिड और बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर होते हैं। जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं,
मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। मीन्स इस थ्योरी का मेन एडवांटेज यह है कि यह हर तरह के एसिड और बेस सब्सटेंसेस के लिए एप्लीकेबल हैं, और इसमें एरेनियस और ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी दोनों कंटेंड है। तो इसके कुछ लिमिटेशन भी है कि ये स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो आगे अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय।